हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू डिफेंस प्लेसेज माई नेम इज़ नैना खान एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया ठीक है यानी इंडिया में जितने भी तुम्हारे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ठीक है ठीके? आज हम उनके बारे में देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे हैं ठीक है ठीके? एक चीज़ और यहाँ पे जो मैं आज तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगी ना वो मैं बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आज डिस्कस करूँगी तुम्हारे साथ ठीक है यानी बायोलॉजी में जितने भी रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे भी बायोलॉजिकल रिसर्चेस तुम्हारी होती हैं आज हम वो वाले इंस्टीट्यूट देखेंगे नेक्स्ट में हम पता है क्या देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं ठीक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे फिर हम क्या देखेंगे फिर हम देखेंगे जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है हम वो डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आज बायोलॉजी वाले देख लेते हैं स्टार्ट करते हैं आप आज का लेक्चर आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को ठीक है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और इंस्टा पे हमारा चैनल जाके फॉलो कर लो और इस की पी डी एफ मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी ओके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर देखो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी तुम्हारी जितनी भी ड्रग से रिलेटेड रिसर्च होती हैं ठीक है वो रिसर्च तुम्हारी कहाँ पे होती हैं सी डी आर आई इसका हेडक्वाटर कहाँ है इसका है लखनऊ ठीक है ये कहाँ सिचुएटेड है सी डी आर आई ये आपका लखनऊ है सी डी आर आई स्टैंड फॉर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ओके यहाँ पे है ये तुम्हारा सी टी आर आई नेक्स्ट की मैं बात करूँ नेक्स्ट है तुम्हारा सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना कि लेदर है तो भैया कानपुर से रिलेटेड कुछ हो जाएगा नहीं यहाँ पर यह बात कर रहा है तुम्हारे सेंट्रल रिसर्च लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तो सेंट्रल की बात कर रहा है तो ये कहाँ पे है तुम्हारा ये है तुम्हारा चेन्नई में ओके ये है तुम्हारा चेन्नई में सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है नेक्स्ट की मैं बात करूँ नेक्स्ट क्या कह रहा है तुम्हारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी यानी केमिकल बायोलॉजी जो होती है तुम्हारी उसका उसका जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है वो है तुम्हारा कैलकाटा में ठीक है कोलकाता में तुम्हारा सिचुएटेड है वो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी यहाँ पे तुम्हारी बा, बायोलॉजी की रिसर्च होती हैं जितने भी तुम्हारे बायो और ये सब होते हैं ना ठीक है वहाँ पे उससे रिलेटेड तुम्हारी रिसर्चेज होती हैं नेक्स्ट की हम बात करेंगे नेक्स्ट कह रहा है सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी अब देखो ये कहाँ पे है ये है तुम्हारा हैदराबाद में यानी जो भी तुम्हारी सेलुलर मींस सेल्स से रिलेटेड ठीक है सेल्स से सेल्स से रिलेटेड जितनी भी सेलुलर ले, लेवल पे स्टडी हो रही है ठीक है यानी और तुम्हारी मोलिकुलर यानी मोलिकुलर लेवल पे स्टडी हो रही है तुम्हारी किस में बायोलॉजी में ठीक है तो उसका क्वार्टर कहाँ है उसका क्वार्टर है तुम्हारा हैदराबाद में ठीक है तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ये हो गया तुम्हारा हैदराबाद में नेक्स्ट की हम बात करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इंपॉर्टेंट है ये ये क्या पूछ रहा है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सी एफ सी एफ टी आर आई अब देखो एक बात सुनो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम में ना वो ऐसे ही एज़ इट इज़ तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि भैया इसका हेड क्वार्टर कहाँ है नहीं कभी कभी वो तुमसे ऐसे भी पूछ लेगा कि बता दो सी एफ टी आर आई इसकी फुल फॉर्म क्या है और तुम्हें चार ऑप्शन दे देगा ठीक है तो ये भी याद करना है सी फॉर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर जितनी भी तुम्हारी रिसर्च होती हैं उसका हेड है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो है मैसूर कर्नाटका में ओके मैसूर कर्नाटका में है किसका सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स देखो एरोमेटिक प्लांट्स यानी वो होते हैं ना जिसमें से आ, कहना चाहिए जिसमें से खुशबू आती है जिन प्लांट्स में एरोमा आरो, जो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स तो वो पूछ रहे हैं कि ये बता दो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इनका कहाँ इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये है तुम्हारा लखनऊ में ठीक है ये कहाँ सिचुएटेड है लखनऊ में और लखनऊ में कौन सा सिचुएटेड था तुम्हारा सी डी आर आई स्टैंड फॉर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में तुम्हारे और भी हेड क्वार्टर सिचुएटेड हैं और भी चीज़ों के वो हम एग्रीकल्चर में डिस्कस करेंगे जब हम एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट की हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल टॉक्स टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर टॉक्सिकोलॉजी यानी टॉक्सिक की स्टडी करेंगे टॉक्सिक की स्टडी को तुम टॉक्सिकोलॉजी कहोगे ना तो यानी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर तुम्हारा कहाँ है अगेन ये तुम्हारा है लखनऊ में ठीक है तो हमने कितनी चीजें ली लखनऊ में सेंट्रल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर नेक्स्ट देखा हमने मेडिसिनल एंड एरोमेटिक और हमने क्या देखा और हमने देखा तुम्हारा सी ठीक है ये हमने देख लिया तीन इनको नोट कर लेना अच्छे से और फुल फॉर्म इनकी ज़रूर याद करना क्योंकि वो कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछता है नेक्स्ट की मैं बात करूँगी ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी ये तुम्हारा है चंडीगढ़ में अब एक बात सुनो ज़रा ठीक है इसमें ना हम जब यूपी स्पेशल पढ़ेंगे ना यूपी स्पेशल के लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी उसमें भी तुम्हारा स्पेशकली स्पेशली देखेंगे कि तुम्हारे यूपी में माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये मैं तुम्हें बता दूँ ये है तुम्हारा मऊ में ठीक है कि तुम्हारा मऊ में है तो हम ये सब चीज़ें भी देखेंगे जब हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे फिलहाल के लिए तुम ये देखो जरा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में है तुम्हारा नेक्स्ट की मैं बात करूँ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अगेन देखो भाई यहाँ पे तुम्हारा कौन सा है बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ रहा है यानी बॉटनी में तुम प्लांट की स्टडी करते हो ना तो ये बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तुम्हारा कहाँ है लखनऊ में अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोट करो ये मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं करी है तुम्हारा बॉटनिकल गार्डन पूछ लेता है ठीक है यूपी में तुम्हारा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है ये भी तुम्हारा लखनऊ में है ठीक है एन बी आर आई तुम्हारा कहाँ पे है नेशनल एन बी आर आई तुम्हारा कहाँ पे है एन बी आर आई तुम्हारा हो गया एन बी आर आई स्टैंड फॉर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी तुम्हारा लखनऊ में है और हमारा बॉटनिकल गार्डन भी है नेक्स्ट की हम बात करेंगे नेक्स्ट है तुम्हारा सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट है तुम्हारा नागपुर में ठीक है यहाँ ये यह हो गया तुम्हारा नागपुर में दैट्स ऑल फॉर टुडे ये था आज का लेक्चर ठीक है मैंने छोटा ही रखा है लेक्चर और इसमें कुछ यार देखो ऐसे ज़्यादा बताने के लिए भी नहीं है जो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तुम सबको पता ही होंगी ठीक है अगले वीड, नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम वहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के डिस्कस करेंगे और केमिक उसकी केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के इंस्टीट्यूट देखेंगे ठीक है वीडियो को लाइक ज़रूर करना शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत